पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पीसी पारेख, केएन बिड़ला और तीन अन्य को भी 8 अप्रैल को पेश होने का समन दिया गया। आरोपी बनाए जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा है कि सच्चाई की जीत होगी, मैं निराश जरूर हूं लेकिन ये जीवन का हिस्सा है, उम्मीद है अपना नाम साफ कर सकूंगा। कोयला आवंटन में आरोपी बनाए गए पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कोर्ट के समन पर अपनी कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा कि इस केस में कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ है, जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है, लेकिन अगर सीबीआई ने सोचा कि इसमें कुछ गलत डिसीजन है तो फिर इस डिसीजन को लेने वाले सभी लोग उसमें शामिल होना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पीएम ने गलत। फुल ब्लॉक आवंटन मामले में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में है और जो कोई भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, यूपीए सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे सिर झुकाना पड़े। 1993 से बने नियमों के आधार पर ही कोल ब्लॉक आवंटित किया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ना किसी यूपीए के अधिकारी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी की थी, वो तो फैसले को अपने संज्ञान में लेने के बाद ही पता चलेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये भारतीय न्यायिक प्रणाली की जीत है कि चाहे कोई भी कितने ही बड़े पद पर हो, कानून सभी के लिए समान होता है। समय भी ये सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री को इंट्रोगेट किया जाना चाहिए, ये भारतीय कानून की श्रेष्ठता की विजय है, मैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और भारतीय जुडिशरी की विजय मानता हूं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोयला घोटाला कांग्रेस का पाप है, पूर्व पीएम को सीबीआई की चौखट पर ले आई कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह बेदाग थे और बेदाग ही रहेंगे। बहुत ही निचले स्तर पर यह निर्णय हो सकता है और उसके खिलाफ जो विधिवत अपील की जा सकती है करेंगे। हम मानते हैं कि इसे गलत किया गया है और पूरी तरीके से मनमोहन सिंह जी को जो दोषारोपित करने का एक प्रयास है वो गलत है। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन जारी किए जाने पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। दस मंजूनाथ हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बराबर बरकरार रखा है। हत्याकांड में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुणे हत्याकांड में पवन कुमार उर्फ मोनू, राकेश आनंद, विवेक शर्मा, देवेश अग्निहोत्री, शिव केसगिरी और राजेश वर्मा को दोषी पाया गया था। एस मंजूनाथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सेल्स मैनेजर अधिकारी थे और लखीमपुर खीरी में 19 नवंबर 2005 को उनकी हत्या कर दी गई। एस मंजूनाथ ने पवन कुमार मित्तल के पेट्रोल पंप पर तेल में मिलावट का भंडाफोड़ किया था और लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद मंजूनाथ का शव सीतापुर में बरामद हुआ था। अब में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर निकालने की मुहिम तेज हो गई है। पार्टी के 60 से ज्यादा विधायकों ने दोनों को पार्टी से निकालने के पत्र पर साइन किया है। उधर योगेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पार्टी के विधायकों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं पर दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराने और अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने का आरोप।
कांग्रेस विधायकों को तोड़ना चाहते थे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग का आरोप, राजेश गर्ग ने ऑडियो जारी कर ये आरोप लगाया। शिवसेना ने सामना में सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने बेहद तल्ख शब्दों में कहा है कि आतंकियों की मदद करने के मामले में सईद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, गंदगी साफ नहीं हो रही तो जिम्मेदार कौन है। मुफ्ती सरकार का सत्ता सुख देश विरोधी है। उम्मीद नहीं थी बीजेपी पीडीपी साथ आएंगी, बीजेपी इससे किनारा नहीं कर सकती। थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। पीएम मोदी ने सेशल्स में तटीय निगरानी रडार का उद्घाटन किया। भारत ने सेशल्स के 6 द्वीपों पर 5 रडार लगाए। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित ब्लॉग लिखने वाले पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू के खिलाफ राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया कि साल 2010 की गर्मियों में पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से एक सीक्रेट डील करने की कोशिश की थी, जिसमें आईएसआई भी शामिल थी। अलगाववादी नेता मसरत आलम को दोबारा अरेस्ट करने की मांग पर जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि मसरत को हिरासत में लेने के लिए कोई वजह नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 2010 के बाद 4 साल तक की आमदनी और खर्च हिसाब किताब दिखाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेवी कमांडर को विदेशी महिला के साथ घुलने मिलने पर उन्हें बर्खास्त के फैसले पर नौसेना के प्रति नाराजगी जताई। नौसेना के कमांडर कल्याण ने दूसरे ऑफिसर की विदेशी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरों और संदेशों का आदान प्रदान किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने उस संवेदनशील जानकारी देने के नाम पर बर्खास्त कर दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पति ने अपने परिवार के एचआईवी पॉजिटिव होने पर इससे निजात पाने के लिए आत्मघाती कदम उठाया। प्रवीण मनवर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों को कार सहित आग के हवाले कर उनकी जान ले ली। प्रवीण ने दिल्ली में अपना और अपने परिवार का मेडिकल टेस्ट कराया था, जिसमें एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आने पर वो सदमे में था। वो परिवार को लेकर अमरावती पहुंचा, जहां उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि इस घटना में प्रवीण खुद बच गया। यूपी विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। चरखारी, फरिंदा और रसड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की 3 सीटों पर 11 अप्रैल को उपचुनाव होना। बता दें कि सदस्यों के अयोग्य घोषित होने से 3 सीटें खाली हुई हैं। चरखारी सीट कप्तान सिंह सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है। वहीं रसड़ा सीट बसपा के उमाशंकर सिंह के अयोग्य घोषित होने से खाली हुई, जबकि फरिंदा से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह को राज्यपाल ने बर्खास्त किया था। लखनऊ विधानसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में उठे सवाल पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर रही थी, जबकि बीजेपी ने विरोध किया। वहीं कांग्रेस और बसपा ने सदन से वॉकआउट किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन में हंगामेदार शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे। हालांकि सत्र सुचारू तौर पर चल सके इसके लिए मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष और सत्ता पक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा था। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल का कहना है कि सपा भूमि अधिग्रहण बिल के प्रति सॉफ्ट है, इस बिल में और संशोधन की गुंजाइश है। सपा इस विधेयक पर मंथन और विचार कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए संतोष गंगवार ने कहा कि लोकसभा में सपा और बसपा जैसे दल बेनकाब हुए हैं, राज्यसभा में बिल अगर पास नहीं होता तो बीजेपी संवैधानिक प्रावधान का सहारा लेगी। फॉरवर्ड में भाषण देने को लेकर विवादों में घिरी लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने सफाई पेश की है। मीसा ने कहा कि मैंने कभी पैनल का हिस्सा होने का दावा नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने अपने विचार पैनल के सदस्यों के साथ निजी तौर पर साझा किए। बता दें कि मीसा के दावे और सोशल साइटों पर उनकी तस्वीरों ने विवाद का रूप ले लिया है। इन तस्वीरों में मीसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में डायस पर नजर आ रही है, जबकि हार्वर्ड का कहना है कि मीसा को कभी लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया गया। उन्नाव में कई ऐसी पुलिस चौकियां हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, जहां पुलिसकर्मी ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्नाव में मुख्यालय के पास ही बना महिला थाना भी बुरे हाल में है, ये एक पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। यहां खिड़कियां प्लाईबोर्ड से बंद की गई हैं और थाने की पूरी बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। वहीं उन्नाव मुख्यालय से कुछ और दूरी पर बने जेल चौकी के हाल तो बिल्कुल ही दयनीय है, वहां चौकी के नाम पर पूरी तरह से जर्जर ढांचा है। यूपी शासनादेश के अनुसार अलीगढ़ के डीएम और सीडीओ ने दो दो गांव गोद लिए हैं, जिनमें अब तक 1600 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। दरअसल डीएम और सीडीओ को उन गांव को गोद लेना था जो कि सबसे अधिक कुपोषण से ग्रसित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि शासनादेश के आधार पर अलीगढ़ के डीएम और सीडीओ द्वारा चार गांव गोद लिए गए हैं। ऐसे बच्चों को अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाकर उनमें भर्ती कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश अवस्थापना निगम का कहना है कि इसी माह से इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। निगम का कहना है कि कॉलेज के निर्माण स्थल तक सड़क न होने के कारण भवन निर्माण में देरी हुई थी, मगर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया। करताल बरेली नगर निगम ने अब बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही करनी शुरू कर दिया। ऐसे 50 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है, जिन पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। बड़े बकायेदारों में शामिल होटल आनंद ओबराय, बरेली पैलेस, जेके पैलेस और राम जानकी मंदिर मार्केट की संपत्ति सीज करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी पर 13 लाख और विद्युत विभाग पर 2 करोड़, जबकि जिला अस्पताल पर 29 लाख का टैक्स बकाया है। मुरादाबाद में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक बच्ची की मौत हो गई। मामला थाना कोठीवाल के तिलकारी नर्सिंग होम का है। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पीड़ित परिजनों की माने तो 5 साल की अदबी का को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर लिया। वहीं पीड़ित परिजन की तरफ से तहरीर नहीं देने के चलते अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सका है। कारीगांव में आपदा में ध्वस्त हुए पुल के निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण गांव वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ध्वस्त हुए पुल की जगह ट्रॉली से गांव वाले काम चला रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से ट्रॉली बंद पड़ी है, जिसकी वजह से छात्रों को बड़े बोर्ड की परीक्षा देने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गोरखपुर में ओवरलोड गाड़ियों ने सड़कों की हालत को बिगाड़ कर रख दिया है। फोर लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर धंसने के साथ टूट रहा है। बजट को खपाने में लगा पीडब्ल्यूडी विभाग पैचिंग कार्य भी बहुत ही घटिया तरीके से करा रहा है। निर्माण के मात्र 2 साल के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग में आई इस तरह की कमियों के संबंध में जब परियोजना निदेशक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क बनाने वाली कंपनी को इस मामले में 3 करोड़ 54 लाख की पेनाल्टी की नोटिस भेज दिए गए हैं।
कानपुर के रामबाग इलाके में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। शव को मृतक के घर से बरामद किया गया। दरअसल सूर्य किशोर नाम का व्यक्ति अपने घर में अकेला रहता था। मृतक की पत्नी कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई। पड़ोसियों का कहना है कि घर से बदबू आने पर उन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बांदा में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक भिडेरा गांव का रहने वाला था। घटना उस वक्त हुई जब मजदूर साइकिल से पपरिंदा पेट्रोल पंप से अपने गांव जा रहा था। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने ओवरलोड वाहनों की मनमानी को रोकने के लिए बांदा कानपुर स्टेट रोड पर जाम लगा दिया। प्रशासन ने भारी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। मुरादाबाद में एक अधेड़ की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला बिलारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। मृतक की पहचान कल्लू सिंह के रूप में हुई है। दो दिन पहले कल्लू अपनी बेटी की ससुराल आया था। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रुद्रपुर के किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का तेल से लदा कैप्सूल हाईवे के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर जाने से हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते हजारों लीटर पेट्रोल सड़क पर गिर गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी एनएस कुंवर फोम और पानी के करीब आधा दर्जन गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और पेट्रोल के असर को निष्क्रिय करने के लिए फायर टेंडरों के छिड़काव शुरू कर दिया। गोरखपुर के थाना जगहा के महंत टोला के पोखरे में मामला देखने को मिला, जहां सिलेंडर में आग लग गई तो परिजनों ने सिलेंडर को तालाब में डाल दिया, जिसके बाद कई घंटों तक तालाब में भी आग लगी रही, जिसे आने जाने वाले लोग देखते रहे। तराई में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कोहरे के चलते तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम पारा गिरकर 10 डिग्री पहुंच गया है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी में भी कमी आ गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की अति सक्रियता के कारण मार्च के महीने में भी मौसम में इस तरह की ठंडक और कोहरा देखा जा रहा है। फिलहाल मौसम की बदमिजाजी के चलते तराई में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मौसम की मार झेल चुके अफीम किसानों को अब नारकोटिक्स विभाग के नियमों के चलते अपना अफीम का लाइसेंस खोने का डर सता रहा है। बदायूं के परेशान किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बदायूं में लगातार हुई बारिश ने अफीम किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ जाने से नष्ट हो गई है। ऊपर से नारकोटिक्स विभाग के नियमों के कारण अगर किसान 2 साल तक अपने खेत से अफीम नहीं देता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नगर जनपद के पडरौना कोतवाली के छावनी मोहल्ले में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक रिक्शा और एक ठेले में टकरा गई। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार के साथ ही रिक्शा पर बैठे लोग और ठेले वाला सभी लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार जिला मनोरंजन कर अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे की हालत नाजुक होने पर उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी के घायल होने की सूचना पर डीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बारामंगी की एक महिला की ये कैसी भक्ति है। महिला ने देवी मां को खुश करने के लिए अपनी जुबान काटकर चढ़ा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काली माता मंदिर के सामने गंभीर हालत में बेहोश पड़ी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल अब महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गीता गौतम ने देवी के मंदिर में मन्नत मांगी थी, जिसके बाद उसने अपनी जुबान देवी मां को भेंट कर दी। घटना बाराबंकी के थाना कोठी के मझावा गांव की है। मुरादाबाद के थाना कड़घर इलाके में खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग ने कुछ ही देर में इतना विकराल रूप ले लिया कि वो नजदीक बने मकानों तक पहुंच गई। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने में कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
और सुपरफास्ट खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर, इलाहाबाद से जिला कोर्ट में वकील पर फायरिंग की गई है। इलाहाबाद में दरोगा ने वकील पर फायरिंग की है। बता दें आपको, गुस्सा वकीलों ने इसके बाद हंगामा किया है और जमकर तोड़फोड़ भी की है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल मौजूद है, वहीं घायल वकील अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला इलाहाबाद का है, जहां पर जिला कोर्ट में एक दरोगा ने वकील पर फायरिंग की, जिसके बाद घायल वकील को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इतना ही नहीं, लेकिन वकीलों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ भी की है। इलाहाबाद का ये मामला, एक वकील पर हमला किया गया है दरोगा के जरिए। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रविंद्र, आखिर क्या कारण था जिसके चलते हमला किया गया वकील पर? प्रशांत, देखिए अभी तक पूरी तरीके से घटना क्यों हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दरोगा वहां पर, सब इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद था और वकील से उसकी कहा सुनी होगी, इसी दौरान उसे सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर अपनी निकाल कर और वकील को गोली मार दी। घायल अवस्था में वकील को जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया। हालांकि वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और वकीलों ने दरोगा को दौड़ाया। जब दरोगा जो है पुलिस ऑफिस में जाकर छुप गया तो वकीलों ने वहां भी जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, पथराव किया है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल लगाया गया है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। जी रविंद्र, दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से अधिकारियों से हम लोग बात हुई है, अधिकारियों को साफ कहना है कि अगर दरोगा की इसमें गलती है और दरोगा ने अगर गोली मारी है, किन कारणों से गोली मारी है, पहले उसकी जाँच की जाएगी और जाँच करने के बाद दरोगा को तुरंत जो है निलंबित किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका रविंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर बता दें आपको, इलाहाबाद का ये मामला है जहाँ पर एक दरोगा ने एक वकील पर गोली चलाई है, जिससे घायल अवस्था में वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वकीलों ने इसके बाद जमकर बवाल काटा है, जमकर हंगामा भी मचाया है और के बाद दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और एक बार फिर रुख सुपर फास्ट खबरों का। गुड़ा में उस वक्त हंगामे का माहौल पैदा हो गया जब शहर के बीचों बीच गांधी पार्क में पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान होकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। सोनू का आरोप है कि उसके परिजनों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। सोनू का ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। हरिद्वार में शादी समारोह में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल इंटरनेशनल क्लब का है। बारात चलने से पहले उसने दूल्हे और अपने अन्य दोस्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई, लेकिन अब जब बारात गेट पर पहुंची तो वहां हर्ष पारी के दौरान सौरभ को गोली लग गई। रामपुर में रेशम से जुड़े किसानों को रोजगार देने के लिए जिले में रेशम परियोजना चलाई जा रही है। रेशम की दिनों दिन बढ़ती मांग के चलते रेशम का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। किसानों को अभी ये कीट निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि किसान बड़ी संख्या में शहतूत से रेशम की फसल तैयार कर सके। बहरहाल रेशम विभाग की ओर से चलाई जा रही परियोजना बेरोजगार किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। मसूरी धनौटी मार्ग पर बाडा घाट में शादी समारोह में उस वक्त हंगामा मच गया जब गढ़वाल जल संस्थान के वाटर टैंकर में ने 42 वर्षीय क्यारी निवासी को कुचल दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग करने लगे। पुणे में आयोजित होने वाले जिला दिवस से अब ग्रामीणों का मोह भंग होने लगा है। मंगलवार को आयोजित हुए जिला दिवस कार्यक्रम में केवल 12 फरियादी ही पाए। जिला दिवस के कार्यक्रम से लोगों को विश्वास खत्म होने लगा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी को भी इसकी वजह माना जा रहा है। अरबाज खान और उनकी पत्नी मलाइका अरोड़ा के खिलाफ अदालत में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। ये मामला लेखक मनोहर शुक्ला ने दर्ज करवाया। तुम तो ठहरे परदेसी एल्बम से प्रसिद्धि पाने वाले गायक संगीतकार अल्ताफ राजा अब इसका दूसरा भाग ला रहे हैं। उनका कहना है कि ये इस दिवाली से पहले रिलीज होगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के अब तक आपने रियल लाइफ में प्यार के चर्चे खूब सुने हैं, लेकिन अब ये रियल लाइफ में इश्क लड़ाते नजर आएंगे, जहां ये दोनों अरबाज खान की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं। दोनों ऋतिक फिल्म मौजूदो की शूटिंग गुजरात के भुज में कर रहे हैं। उन्होंने रेगुलर वर्कआउट करने के लिए भुज में एक जिम भी ज्वाइन किया है। हाल ही में एक सर्वे कराया गया जिसके अनुसार कैटरीना ही इस वक्त विज्ञापनों की रानी है। इस रिपोर्ट में 2015 के अनुसार कैटरीना कैफ को सबसे टॉप की रैंक मिली। फिल्म रमैया वस्तावैया से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर गिरीश कुमार सौरानी ने अपनी गर्लफ्रेंड कृष्णा मंगवानी से गुपचुप शादी कर ली। सुनने में आ रहा है कि दोनों इस साल 11 फरवरी को ही शादी के बंधन में बंध गए। शाहरुख खान चित्रों वाले उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के मुख्य पात्र के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख का नया अवतार सामने आया है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों ने जाने माने फिल्मकार विनोद चोपड़ा की अंग्रेजी फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस का ट्रेलर रिलीज किया। विनोद चोपड़ा ने पहली बार हॉलीवुड फिल्म बनाई है जिसका नाम ब्रोकन हॉर्स है। आलिया भट्ट को बचपन से चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर की दीवानी वो रही हैं। आलिया ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ये जानकारी दी। दीपिका सिंह ने दिया और बात ही हम की शूट के दौरान अपने को एक्टर अनस रशीद यानी सूरज को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ईशा गुप्ता हाल ही में एक मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई। फोटोशूट में ईशा गुप्ता ने कयामत ढाया। मुंबई में अपकमिंग फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड का म्यूजिक लॉन्च किया गया। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपने पापा शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी। शाहरुख खान की फिल्म रईस का शेड्यूल आ चुका है और खबरों के मुताबिक फिल्म 28 मार्च से फ्लोर पर जा रही है। राम रहीम सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म एमएसजी द मैसेंजर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। मल्लिका शेरावत की आने वाली फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स काफी विवादों से भरी रही। अपनी इस फिल्म को लेकर मल्लिका शेरावत ने कहा कि भारत में बैन लगाना एक मजाक सा बन गया। ईशा गुप्ता नाटकों में काम करना चाहती हैं। ईशा ने कहा है कि वो एक अच्छा नाटक करना चाहती हैं।